भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। दो सौ 57 लोगों के कत्ल का गुनहगार और 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस के दोषी को सजा सुनाने के बाद खचाखच भरे स्पेशल टाडा कोर्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन्स अब्बू सलीम सहित मामले के 5 दोषी बेहद तनाव में थे। अब्बू सलीम को जब टाटा के विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो वो बेहद हताश नजर आया। वह पीछे के बेंच पर जाकर चुपचाप बैठ गया। इस पर भोजपुरी फिल्मों के नंबर वन अदाकारा आम्रपाली दुबे का एक ताजा बयान ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दिया है। जी हाँ, आम्रपाली दुबे ने अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम के बारे में एक बयान दिया है। आम्रपाली दुबे ने कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम को सजा देकर हमारी सरकार ने हमें कानून पर भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ आम्रपाली दुबे ने कहा है कि जो आदमी गलत काम करेगा उसे कानून सजा जरूर देगी। इस प्रतिक्रिया के बाद आम्रपाली दुबे को सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में लोग प्रशंसा कर रहे हैं और आम्रपाली दुबे की लोग जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि बहुत कम लोग को ही मालूम होगा कि 1993 में मुंबई धमाके के बाद दाऊद और उसका कुनबा देश छोड़कर जा चुका था। उसी दौरान डी कंपनी की सल्तनत को आजमगढ़ में कभी पंचर लगाने वाला अब्बू सलीम ने संभाला। दरअसल आजमगढ़ के में रहने वाला अब्बू सलीम के वकील पिता की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई। परिवार के भरण पोषण के लिए उसने गांव में ही मोटर मैकेनिक का काम करने के बाद वो टैक्सी चलाने दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अनीस से हुई। अनीस ने अब्बू सलीम की बात दाऊद से कराई और इस तरीके से सलीम ने दिल्ली से मुंबई की राह पकड़ी और एक अलग तरह का पेशा उसका इंतजार कर रहा था। मुंबई में भी वो गाड़ियां बनाने का काम करने लगा। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।